हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं 11th क्लास फिजिक्स यूनिट नंबर 3 लॉज ऑफ मोशन की जो यूनिट है आपकी, और उसका टॉपिक है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो सबसे पहले हम इस टर्म को ही क्लियर कर लेते हैं जो आपने बोर्ड पर देख रहे हो आप, कि मोमेंटम क्या होता है। लीनियर मोमेंटम 9th क्लास का बेसिक आप पढ़ के आए हो, फिर भी हम रिपीट कर देते हैं। मोमेंटम का मीनिंग होता है अमाउंट ऑफ मोशन पजेस बाय बॉडी। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसके अंदर कितना मोशन है, अगर ये आप मेजर करना चाहते हो तो आपको उसका मोमेंटम मेजर करना पड़ेगा। मोमेंटम आपको ये बता देगा कि इस बॉडी के अंदर कितना मोशन है। और जो डिफाइन करते थे आप इसको, टी से हम इसको डिनोट करते थे, मैं आपको रिमाइंड कराने के लिए लिख देता हूँ, मोमेंटम को स्मॉल टी से डिनोट करते थे, इक्वल होता था मास इनटू वेलोसिटी के, कि उस बॉडी का मास कितना उसकी वेलोसिटी कितनी, और ऐसा यूनिट क्या हो जाती थी फिर, मास की किलोग्राम और वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड, इसमें आप इसको मेजर कर लेते। ये था लीनियर मोमेंटम की डेफिनेशन। डेफिनेशन में आप ये भी बोल देते थे इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, या फिर इट इज द मेजर ऑफ मोशन ऑफ बॉडी, वो लीनियर मोमेंटम। अब हम इसका कंजर्वेशन लॉ करने वाले हैं। वैसे तो आपने 9th में इसको भी किया है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन भी किया है, हम इसको बहुत उस तरीके से भी करेंगे। होता क्या है, कंजर्वेशन का मीनिंग होता है किसी चीज को वैसे ही रखना जैसे वो थी, चेंज ना आने देना। तो यहां पर लीनियर मोमेंटम के कंजर्वेशन लॉ से हमारा मीनिंग ये है कि जो मोमेंटम इनिशियल स्टेज पे था वही मोमेंटम फाइनल स्टेज पे होना चाहिए, तब कंजर्वेशन लॉ फॉलो करेंगे। या फिर टोटल मोमेंटम सिस्टम का सेम रहना चाहिए, इंटरनली चेंज होता रहे लेकिन टोटल वैल्यू क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए, तब उसको कंजर्वेशन में काउंट करेंगे। तो दोनों इक्वेशंस के थ्रू हम इसको सॉल्व करेंगे आज। तो पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू इट जो डेफिनेशन है वो हमारे पास टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, एक ऐसे सिस्टम का जिसके अंदर बड़े सारे पार्टिकल्स हैं, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम का मीनिंग है जिसमें सिस्टम में सारी कंडीशन एक जैसी है, फिक्स कंडीशन है, उसमें चेंज नहीं हो रहे फैक्टर, इस कांस्टेंट, उस सिस्टम का टोटल लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा कब, जब बाहर से लगने वाली फोर्स क्या हो, जीरो। अगर बाहर से कोई भी छेड़छाड़ ना करे किसी सिस्टम में तो उसका लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा जितने भी पार्टिकल्स हैं। ये है इसकी डेफिनेशन। उम्मीद है कि आपने 9th में भी यही किए होगी और याद भी होगी आपको। वहां पर आपने ये भी, हो सकता है आपने ये बोला हो कि टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन ऑफ टू बॉडीज इज इक्वल्स टू टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर देयर कोलिजन। कोलिजन के बेसिस पे भी आपने इसको एक्सप्लेन किया होगा, वो भी हम करेंगे आज आपको रिमाइंड कराने के लिए। दोनों तरीके से हम इसको करने वाले हैं। तो पहले जो हम करेंगे वो ये कि टोटल लीनियर मोमेंटम सिस्टम ऑफ पार्टिकल का, जो कोई आइसोलेटेड सिस्टम है यानी कि सेपरेट है दूसरे सिस्टमों से, दूसरे सिस्टमों का इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा आसपास होने का, ऐसे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कॉन्स्टेंट रहेगा अगर उस पर एक्सटर्नल फोर्स जो है वो एब्सेंस है। अब न्यूटन के लॉज आपको माइंड में होने चाहिए आगे बढ़ने के लिए। 3 लॉज आपने न्यूटन के पढ़े हैं, मैं फिर रिमाइंड करा देता हूं आपको। पहला लॉ ये कहता है कि अ बॉडी कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। कोई भी बॉडी अपनी स्टेट, चाहे वो रेस्ट पे है चाहे वो यूनिफॉर्म मोशन में है, तब तक चेंज नहीं करेगी जब तक उसके ऊपर अलग से कोई फोर्स ना लगाई जाए। सेकेंड लॉ हमें ये कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल्स टू अप्लाइड फोर्स, कि अगर आप फोर्स अप्लाई करते हो तो फोर्स ही आपको ये बताती है
कि कितना मोमेंटम में चेंज आने वाला है। एफ इज इक्वल्स टू डी पी बाई डी टी, सेकेंड लॉ था। और थर्ड लॉ का आपको पता ही है, वेरी फेमस, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन का एक इक्वल और अपोजिट रिएक्शन हुए। तीन लॉज आप न्यूटन के पढ़ के आए हैं। यहां हम जिसका जिक्र करने वाले हैं वो है अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन। न्यूटन का सेकेंड लॉ कहता है कि फोर्स इज इक्वल टू, फोर्स एक्सटर्नल फोर्स जो हम बात कर रहे हैं, इक्वल होगी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये मोमेंटम और रेट ऑफ चेंज को आप डी पी बाई डी टी लिखते हुए आप सीख चुके हो, डेरिवेशन का पार्ट होता है ये, इसको रेट ऑफ चेंज को इस तरीके से लिखा जाता है। ये है मोमेंटम, टोटल मोमेंटम पी। लेकिन सिस्टम में तो बड़े सारे पार्टिकल्स भी हैं, तो पी किसके इक्वल होगा? मोमेंटम ऑफ, सम ऑफ मोमेंटम ऑफ ऑल द पार्टिकल। अगर मान लो दो तीन पार्टिकल है, तो पहले पार्टिकल का मास एम वन, वेलोसिटी वी वन, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दूसरे का मास m2, वेलोसिटी v2, तीसरे का मास m3, वेलोसिटी v3, एंड सो ऑन, जितने भी पार्टिकल आप लिखो ऐड करते चले जाओ। ये फॉर्मूला है सिंगल मोमेंटम का। लेकिन पार्टिकल मान लो अगर पांच है, तो पांचों का ऐसे ही तो मोमेंटम निकालोगे और उनको ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा टोटल। इसको ये भी तो लिख सकते हैं p इज इक्वल्स टू p1 p2 p3 एंड सो ऑन। ये वेक्टर साइन है, आप अच्छे से जो है इन चीजों से वाकिफ हो। ये है हमारे पास टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। ये टोटल आया, इस P की वैल्यू हमने निकाली। लेकिन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एक्सटर्नल फोर्स तो क्या है? एब्सेंस है, यानी कि एज पर स्टेटमेंट, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो एक्सटर्नल फोर्स है FEXT, जिसको आपने डिनोट किया, ये तो क्या है? जीरो। एब्सेंस है तो इसका मीनिंग क्या हुआ? जीरो। अगर फोर्स जीरो है तो इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गई? जीरो हो गई। और ये आ गया dP / dt। और डेरिवेशन का एक सिंपल सा रूल है कि अगर किसी क्वांटिटी का डेरिवेटिव जीरो के इक्वल आ जाता है, तो इसका मीनिंग ये है कि वो क्वांटिटी कैसी है? कांस्टेंट है। तो इसका मीनिंग हुआ दैट इज p इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये आप याद रख लो, अगर आपको नहीं पता डेरिवेशन में आपके काम आएगा कि एक कांस्टेंट क्वांटिटी का डेरिवेशन अगर लेंगे तो जीरो आएगा, अगर ये कांस्टेंट है इसका डेरिवेशन लेंगे तो क्या आएगा? जीरो। तो हमने इसको वाइस वर्सा यूज किया कि अगर किसी का डेरिवेशन जीरो है तो वो क्वांटिटी कैसी है? कांस्टेंट। तो ये हमने प्रूफ किया इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कि टोटल लीनियर मोमेंटम पी जो है वो कांस्टेंट आ गया अगर एक्सटर्नल फोर्स क्या है वो जीरो है। तो ये तो हमने इसको प्रूफ कर दिया। अब एक बार उस मेथड से भी देख लेते हैं जो आप लोग पढ़ के आए हो, कोलिजन वाला, क्योंकि न्यूमेरिकल उसके बेस पे भी आ सकते हैं, तो हम कोलिजन वाले से भी इस चीज को डिस्कस करके देख लेते हैं। कोलिजन वाले केस में क्या होगा, हम दो बॉडीज कंसीडर करेंगे। एक बॉडी ये है जिसको ए नाम दिया आपने, इसका मास एम वन है और इनिशियली इसकी वेलोसिटी यू वन। दूसरी बॉडी ये बी नाम दिया, मास m2, इनिशियल बॉडी u2। ये स्टेज है जब इनके बीच में कोई भी कोलिजन नहीं हुआ, बिफोर कोलिजन, की टकराए नहीं है ये आपस में। लेकिन टकराएंगे जरूर, क्योंकि आपको ये बोलना है कि u1 ग्रेटर देन u2, ये वेलोसिटी ज्यादा है इससे, तब ये पीछे से आगे इसको धक्का मारेगा। तो आफ्टर कोलिजन क्या होगा, ये इनिशियल था, आफ्टर कोलिजन जब ये टकरा के अलग होंगे तो इनकी वेलोसिटीज जो है वो यू वन की जगह वी वन में रिप्रेजेंट हो जाएंगी। फिर एम वन इसकी वेलोसिटी वी वन, इसकी वेलोसिटी वी टू एम टू। ये आफ्टर कोलिजन का केस है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये बोलता है कि हमें ये प्रूफ करके दिखाना है कि जितना टोटल मोमेंटम पहले था वो इक्वल होगा टोटल मोमेंटम आफ्टर द
कोलिजन के आपको प्रूफ करके दिखाना होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन। तो देखिए न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, याद है आपको, बस हम उसको यूज करने वाले हैं। एफ ए बी इज इक्वल टू एफ बी ए माइनस, ध्यान से सुनिएगा, फोर्स ऑन ए बाय बी, फोर्स जो ए पे लगी बी के द्वारा, न्यूटन थर्ड लॉ कहता है वो इक्वल होगी जो बी पे लगी होगी ए के द्वारा, और अपोजिट होगी, इसलिए साइन क्या लगा दिया, माइनस का। ये ए है, ये बी है, ए ने बी पे जो फोर्स लगाई वो है ये, बी ने विद रिस्पेक्ट ए पे जो लगाई वो है ये, और लॉ कहता है कि दोनों इक्वल तो होंगी लेकिन अपोजिट होंगी, तो हमने माइनस का साइन लगा दिया। समझना आपको इस चीज, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, ये न्यूटन थर्ड लॉ लिख भी देते हैं यहाँ पर, बाय न्यूटन थर्ड लॉ। अब ये कह देते हैं कि पहले इनिशियल स्टेज पे हम मान लेते हैं कि मोमेंटम जो था इस एफ के अकॉर्डिंग, एफ क्या है, सेकंड लॉ तो यहाँ पे यूज होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यहाँ है पी वन बाई डी टी माइनस बी पी टू बाय डी, इसकी जगह इनिशियल मोमेंटम पी वन, फर्स्ट बॉडी का जो मोमेंटम है पी वन, यहाँ सेकंड बॉडी, यहाँ ये बॉडी ए अगर मेन है, ए पे फोर्स लग रही है तो यहाँ बी पे लग रही है, तो बी का मोमेंटम पी टू मान लिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है ये, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मीनिंग है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो ये देखो डी टी से डी टी तो कट गया, डी पी और डी टू, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन दिस मोमेंटम, इस मोमेंटम में चेंज क्या है, पहली बॉडी का मोमेंटम का चेंज, फाइनल माइनस इनिशियल, पहली बॉडी, इसका फाइनल मोमेंटम क्या होगा, एम वन वी वन, फाइनल वेलोसिटी वाला एम वन वी वन, इसी बॉडी का इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल वेलोसिटी वाला माइनस एम वन यू वन, फाइनल माइनस इनिशियल, यही तो चेंज है मोमेंटम का, इक्वल है माइनस ऑफ सेकंड बॉडी का चेंज, फाइनल मोमेंटम सेकंड बॉडी का एम टू वी टू माइनस इनिशियल एम टू यू टू, माइनस साइन हटा देते हैं, ये हो गया माइनस का और ये हो गया प्लस का। अब आपको करना क्या है, U वालों को एक तरफ करना है, V वालों को एक तरफ करना है। देखो ये U वाला है माइनस का, उस तरफ ले जाओ प्लस का हो जाएगा, ये V वाला माइनस है इसको इस तरफ ले आओ, M1 V1 प्लस M2 V2, ये इधर जाएगा तो M1 U1 प्लस M2 U2। अब देखो ध्यान से, M1 U1 इनिशियल मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी प्लस M2 U2 इनिशियल मोमेंटम ऑफ सेकंड बॉडी, यानी कि टोटल इनिशियल मोमेंटम है ये है आपके पास टोटल इनिशियल मोमेंटम। इधर देखिए M1 V1 फाइनल मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी प्लस M2 V2 फाइनल मोमेंटम ऑफ सेकंड बॉडी, यानी कि फाइनल मोमेंटम दोनों बॉडीज का ऐड कर दिया तो ये है टोटल फाइनल मोमेंटम, या फिर दूसरे शब्दों में आप क्या कह सकते हो, ये टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन और ये टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ये इक्वेशन आप नाइन्थ में निकाल के फॉर्मूले यूज करते थे, जो यही इक्वेशन थी जो क्या करती थी, वेरीफाई करती थी किसको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। आप इसकी एक एप्लीकेशन और यूज करते थे, बहुत क्वेश्चन भी आपने किए हैं इस इक्वेशन को, मैं रन नहीं कर रहा यहाँ से, और वो जो एप्लीकेशन आप यूज करते थे उसका जिक्र भी हम यहाँ पर कर ही लेते हैं, जब इतना कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा बेसिक और उसका करा देते हैं। और वो क्या होती थी एप्लीकेशन आपके पास, रिकॉइलिंग ऑफ गन, कि जब भी किसी गन में से बुलेट चलती है तो बुलेट तो आगे की तरफ जाती है लेकिन गन को भी एक पीछे से थोड़ा सा झटका देके जाती है, वो उसको बोलते थे हम रिकॉइलिंग ऑफ गन, और आप क्वेश्चन भी सॉल्व करते थे उसमें,
जो कंडीशन यूज करते थे हम क्या लिखते थे, हम ये लिखते थे रिकॉइलिंग ऑफ गन में कि टोटल मोमेंटम किसका, गन और बुलेट का, ऑफ गन प्लस बुलेट कब, बिफोर फायरिंग, जब तक आपने उसको फायर नहीं किया, इक्वल होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग टोटल मोमेंटम ऑफ गन प्लस बुलेट आफ्टर फायरिंग। अब देखो ध्यान से, अगर गन का मास इन्हीं अकॉर्डिंग कर लेते हैं, M1 है और बुलेट का मास M2 है, तो जब फायरिंग ही नहीं हुई तो दोनों की इनिशियल वेलोसिटी तो क्या हो गई, जीरो। फायरिंग के बाद फाइनल वेलोसिटी की बात करें तो मान लो इसकी V1 है और इसकी क्या है, V2 है। बिफोर फायरिंग का मीनिंग है बिफोर कोलिजन, तो टोटल मोमेंटम तो क्या हो गया, जीरो, क्योंकि गन का निकालोगे बिफोर फायरिंग तो M1 इनिशियल U, ये तो जीरो है, तो जीरो मल्टीप्लाई होके जीरो। बुलेट का भी निकालोगे तो M2 के साथ जीरो की मल्टीप्लाई, ये भी जीरो, जीरो प्लस जीरो क्या आ गया, जीरो। लेकिन आफ्टर फायरिंग गन का मोमेंटम, गन का मास M1, गन की वेलोसिटी V1 प्लस बुलेट का मास M2, बुलेट की वेलोसिटी V2, ये इक्वेशन आती है। अब इसमें आपको क्या निकालने को बोलते थे, वो रिकॉइलिंग वेलोसिटी ऑफ गन बोल देते थे, V1 या फिर V2 जो भी निकालना हो, अगर रिकॉइलिंग वेलोसिटी गन की निकालनी है, V1 निकालना, तो इसको इस तरफ ले आओ तो M1 V1 इक्वल होता है माइनस ऑफ M2 V2 और V1 आ जाता था यहाँ पर माइनस V2 M2 बाय M1। ये फॉर्मूला आप यूज करके वहाँ पर रिकॉइलिंग वेलोसिटी ऑफ गन निकाल लेते, ये अपने एप्लीकेशन की थी। और भी एप्लीकेशन होती थी, जैसे आप किसी बोर्ड से नीचे उतरते हो तो आप आगे की तरफ चलते हो तो पिछला पैर आपका बोर्ड को पीछे की तरफ धका देता है, लिखते ना व्हेन अ मैन जंप आउट टू अ बोट ऑन अ शोर, किसी किनारे पर जब आदमी बोट से बाहर आता है तो बोट उसे आगे की तरफ धकेलती है और वो बोट को अपने पैर से पीछे की तरफ धकेलता है। तो ये भी न्यूटन का, सॉरी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का ही हमारे पास एग्जाम्पल था। तो ये आपके पास टॉपिक था 3rd यूनिट का, आपने इसको अच्छे से जो है वो रिवाइज कर लेना।